नमस्कार, खबर की तहतक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अंबिका भारती और अब समाचार बरेली से। विधायक देवेंद्र पटेल पहुंचे धरना स्थल पर, कहा कांग्रेस हरदम आपके साथ। तीसरे दिन भी जारी रहा हड़ताल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। अपनी मांगों पर अडिग कार्यकर्ता भाजपा सरकार की मुखिया को कोस रही है। कार्यकर्ताओं की दुखती नब्ज पर हाथ रखने पहुंचे कांग्रेस के विधायक देवेंद्र पटेल। पटेल ने कहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग जायज है एवं विधानसभा में आपकी मांगों को उठाया जाएगा और कांग्रेस पर हर कार्यकर्ता आपके साथ है। जिस तरह की लड़ाई होगी हम लड़ने को तैयार हैं। सुनिए क्या कहते हैं देवेंद्र पटेल विधायक। हम और हमारी पूरी कांग्रेस उनके साथ है। इस तरह से उनके लिए सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाएं, उनके वेतन बढ़ाए जाएं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा काम होता है। आज कोरोना के समय के काल में आज जो नारी शक्ति जो आंगनबाड़ी सहायता कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसने जनता की सेवा की है, लोगों को बीच में रही हैं, हमेशा हर घर में हर जगह ताकत के साथ वो खड़ी रही हैं। तो निश्चित है कि अगर वो जितनी मेहनत कर रही हैं उनका प्रतिशत उनके लिए मिलना चाहिए। उनका जितनी मेहनत उनकी है, आज बहुत छोटी सी बात है, 5,000 रुपये में कैसे जीवन चलेगा, कैसे घर चलेगा। लेकिन जो मेहनत करती हैं वो हैं, उनका प्रतिशत उन्हें मिले और उन्हें शासकीय घोषित किए जाए, जिससे सरकार की नींद खुलना चाहिए, शासकीय घोषित हों। मेरी तरफ से भी मैं माननीय कमलनाथ जी, हमारी पूरी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी अध्यक्ष जो वो आप महिला कार्यकर्ताओं और सब नारी शक्ति के साथ खड़े हुए हैं। हम इसकी विधानसभा में भी आवाज़ उठाएंगे। मैं क्योंकि प्रश्नकाल तो समाप्त हो चुका है, लेकिन ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैं सोमवार को से हमारी 25 तारीख को विधानसभा है, जब भी ध्यानाकर्षण लगेगा 25 तारीख के बीच में, हम उसके माध्यम से इनकी आवाज़ मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाएंगे। और निश्चित है कि हम पूरी कांग्रेस के साथ और मैं खुद इसके लिए और इनकी ताकत के लिए हम सरकार से लड़ेंगे और सरकार को इसमें अवगत कराएंगे। महिलाओं द्वारा बताया जा रहा है कि उनके उच्च अधिकारियों द्वारा